के दौरान पुलिस की सख्ती देखकर नकल करने वाले गिरोह की अकल ठिकाने आ गई। परीक्षा में नकल कराने को लेकर कई गिरोह सक्रिय थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे कोई चालाकी नहीं चली। बीकानेर हो, जयपुर हो, बारा हो, भरतपुर हो, इन तमाम जिलों में पटवारी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले कई कथित डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रिपोर्ट देखिए। पटवारी परीक्षा में सेंध की कोशिश, नकल गिरोह की ठिकाने लगी अक्ल। पटवारी परीक्षा में नकलची गिरोह के इस गैंग को देखिए। पटवारी परीक्षा में गिरोह के ये लोग नकल का षड्यंत्र रचकर आपके बच्चों के भविष्य पर घृण लगाने की कोशिश में थे। लेकिन इससे पहले कि नकलची गिरोह के ये डकैत अपने मकसद में कामयाब होते, डीएसटी टीम ने नकल गिरोह की अक्ल ठिकाने लगा दी। बीकानेर में गिरोह के 4 सदस्य अब पुलिस के शिकंजे में हैं। वहीं बारा में एक डमी कैंडिडेट पुलिस के शिकंजे में आ गया। नकलची गिरोह ने पटवारी परीक्षा में नकल कराने के लिए क्या क्या इंतजाम किए थे, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नकल का पूरा इंतजाम गिरोह के पास था। भारी मात्रा में मोबाइल और ब्लूटूथ समेत 20 से ज्यादा डिवाइस मिली, जिसमें 32 बॉक्स की लाइन अटैची बरामद हुई है। सोचिए, इस डिवाइस के जरिए एक साथ 32 लोगों को नकल करवाई जा सकती है। पुलिस को HHMD भी मिला है, जिसे परीक्षा केंद्र पर पुलिस को चकमा दे सकें। लेकिन नकलची गैंग की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। इनके पास करीब एक दर्जन मोबाइल, एक 32 लाइन की अटैची, इसके अलावा एक HHMD डिवाइस जो मेटल डिटेक्टर के लिए यूज होती है, और इसके अलावा इनके पास एक दर्जन से अधिक डिवाइस मिली है, डिवाइस भी है। इस तरह से करीब तीन लोगों को गिरफ्तार करके 2 FIR इसमें दर्ज। बारा में पटवारी की परीक्षा देने पहुंचा नकलची गैंग का डमी कैंडिडेट भी गिरफ्तार हो गया है। नकलची गैंग का ये डकैत अपेक्स स्कूल में परीक्षा देने जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान गेट पर पकड़ा गया। बताया जाता है आरोपी बिहार का फर्जी अभ्यर्थी है, जो दूसरे के बदले परीक्षा देने की कोशिश में था। रीट परीक्षा में नकलची गैंग की सक्रियता को देखकर पटवारी परीक्षा में पुलिस पहले से सतर्क थी। यही वजह है कि पटवारी परीक्षा शुरू होने से पहले ही नकलची गैंग के डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बीकानेर से रौनक व्यास, बारा से राम मेहता की रिपोर्ट, जी मीडिया। मेयर का भोकाल प्लान तैयार।